जैसा कि ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है तो मैंने अपने सारे कबूतर ब्रीडिंग में सेट कर लिए हैं। तो चलिए कुछ ब्रीडिंग टिप्स दे देता हूँ आप लोगों को कि क्या करना चाहिए ब्रीडिंग लेने वक्त कबूतर को, और कबूतर का जोड़ा कैसे सेट करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप कबूतर का जोड़ा सेट कर लें, नर और मादा सेट कर लें जिससे आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं। और जो ब्रीडिंग के लिए आपने कबूतर इस्तेमाल करने भाइयों, उसे उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, उसे कैच कर दे या ऐसा कर ले दोस्तों कि उड़ाए ना उसे जिसे आप ब्रीडिंग लेना है। क्योंकि जब भाई वो उड़ान में रहेंगे तो कबूतर अच्छे से ब्रीड नहीं करेगा, अंडे ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों, जो कबूतर को उड़ाना है उसे आप उड़ान में ना लेके आप जिसे जोड़ा में लगा उसे कैच करके रख सकते हो ब्रीडिंग लेने वक्त। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि ये मेरे जोड़े हैं, ये जाक का जोड़ा हो गया, इधर कलसीरा का जोड़ा, एक रामपुरी है, लक का है। तो भाई लक के ने अंडे दे दिए तीन तीन, वो भी आपको मैंने बताया था। तो अपना अच्छा चल रहा है इस पर ब्रीडिंग। और दोस्तों एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी मतलब कि ब्रीडर वाले कबूतर है उसे आप मिक्स दाना डालें, कबूतर को हमेशा दोस्तों मिक्स दाना डालें। चलिए आपको मैं ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ, आप चले चाह चाह। चलिए भाई देखिए, ये रहा मेरे कबूतर और ये है मेरा ब्रीडिंग लॉफ्ट। तो भाई अपने कबूतर प्रॉपर लॉफ्ट में आ गए सारे के सारे। और ब्रीडिंग अपडेट दे दूं भाई, तो चलो ये मेरा पीने का पानी, थोड़ा लॉफ्ट बहुत गंदा हो रहा है, उसे भी साफ़ करना ज़रूरी है। ये मेरा लक्का कबूतर, फ़िलहाल ये मादिन है, नर अभी अंडों पर बैठा हुआ है। तो भाई बहुत ही तगड़ा इसने अंडे डाले, तीन तीन अंडे और तीनों पर शिकाई चल रही है अभी, मतलब कि 5 दिन तो लगभग हो गए हैं भाई। और चलिए अब अपने जोड़े दिखाता हूँ और प्रेयर ब्रीडिंग दिखाता हूँ भाई। तो लक्की ने अंडे डाल दिए हैं, पहले आप इसे देखिए, आपसे यहाँ देखिए दोस्तों प्रॉपर देखो दोस्तों, जैसे कि देखो यहाँ पे ब्रीडिंग मैंने क्या किया है। ब्रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले आपको करना ये है कि दोस्तों एक प्रॉपर केज दें उसे, और उसके अंदर मैंने एक बर्तन डाली है। आप भी इस तरह से मिट्टी का बर्तन आपको अगर मिल जाए मार्केट से उसे ले लो, या इस तरह से बना सकते हो भाई। ऐसे में ये होगा कि कबूतर जल्दी ब्रीड करेगा और कबूतर के अंडे ख़राब नहीं होंगे। मैंने प्रॉपर किया दोस्तों, जितने भी मेरे केज हैं मैंने सबके नीचे बर्तन लगाया हुआ। और देखिए दोस्तों एक मेरा ये जोड़ा है, फिलहाल ये जोड़ा लग चुका है, अभी ब्रीडिंग के लिए भी तैयार है, इसे भी मैंने ब्रीडिंग पर लगाया हुआ है। देखिए आप शौक करें भाई, बहुत अच्छा हाई फ्लायर गिरेवाज कबूतर। और मेरे पास कुछ अभी नर सिंगल है, उसे भी आप शौक कराऊंगा। यहाँ देखे दोस्तों ये रामपुरी नर, इसके साथ जो मैं मादा लगाया था मैं उसका भी आपको शौक करा देता हूँ भाई। इस मादे के साथ मैंने इसकी जोड़ लगाई हुई है, एक जोड़ अपन का ये हो गया। तो सभी के लिए भाई, जितने भी मेरे अपने कबूतर हैं मैंने सबके लिए एक प्रॉपर ब्रीडिंग केज लगाया है, प्लस उसके अंदर मैंने दिया मिट्टी का बर्तन ताकि मेरे एग्स ख़राब ना हो और कबूतर जल्दी एग्स डाल दे। अब चलते हैं दोस्तों कलदुमा का जोड़ा देख लेते हो, चीनी का जोड़ा। ये रहा कलदुमा, मादिन ने भाई एक अंडे डाल चुकी है अभी तक। तो भाई बहुत ही लाजवाब अभी तक ब्रीडिंग चल रहा है मेरा, देखें आप। इसने एक अंडे डाले। जाक की बात करूँ तो जाक ने भी भाई अंडे ख़राब कर दिया था, तो फिर दोबारा अंडे इसने अभी डाले नहीं है। उम्मीद है कि भाई बहुत जल्दी अभी अंडे डाल देगा। यहाँ देखिए इसका भी इसी तरह का बर्तन डाले हुए, आप इस तरह का बर्तन आपको मार्केट से मिल जाएगा दोस्तों, देखिए आप। तो यहाँ अभी आया नहीं है। ये देखिए दोस्तों गोल्डन कलसीरा का पेड़, ये देखिए एक पेड़, यहाँ भी अभी अंडे आए नहीं। ये नर अपने पास दोस्तों सिंगल अभी, इसका शौक करें आप। तो भाई आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जितने भी मेरे लॉफ्ट हैं सारे के सारे के अंदर मैंने मिट्टी का बर्तन डाला हुआ। एक जोड़ा और दिखाता हूँ जिसने अंडे ख़राब कर दिए दोस्तों। इसने अंडे डाले थे पहली दफ़ा, ये अंडे ख़राब कर चुके हैं भाई। तो भाई कुछ ब्रीडिंग टिप्स था यही था, और कबूतर को भाई सही से देख रेख करो। और जब आप ब्रीडिंग लेते हो दोस्तों तो उसे कम से कम मल्टी विटामिन दिया करो। मल्टी विटामिन दोस्तों आप विब्रेल यूज कर सकते हो, प्रोटोन यूज कर सकते हो, और कबूतर को एक टाइम आपको रोटी भी डालना है, वो सुबह के समय आप कबूतरों को रोटी डाल सकते हो, ताकि उससे आपका जो कबूतर का ब्रीडिंग रहे वो लाजवाब रहेगा दोस्तों। ये देखिए अपना ये लॉफ्ट है, देखिए ब्रीडिंग केज किस तरह से मैंने लगाया हुआ है भाई। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।